हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन द्वेश्चन फॉर लाइट न्यूट्रिय मोस्ट सेवियर बिटवीन क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि ये कुछ कंडीशन है लाइट न्यूट्रिय सब का कर... जो कॉम्पिटिशन होगा वो सबसे ज्यादा सिवियर कौन सी जगह पे होगा हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं हम उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट है कंपटीशन समझते हैं कि कंपटीशन क्या होता है कंपटीशन एक तरीके का राइवलरी होता है एक तरीके की मतलब लड़ाई होती है जिसमें दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं या फाइट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए सो कंपटीशन इज राइवलरी बिटवीन और या फिर कह सकते हैं दो लोगों में या आपस में अमंग लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स कह लो मतलब बेसिकली जो लिविंग बींग्स होते हैं फॉर किन चीज़ों के लिए हो सकती है टेरिटरी के लिए हो सकती है जगह के लिए रिसोर्सिस के लिए हो सकती है कि उनको रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए जो है राइवलरी हो सकती है फाइट हो सकती है सामानों के लिए हो सकती है और मेट्स के लिए भी हो सकती है मेट्स का मतलब है उनके पार्टनर्स पार्टनर्स के लिए भी हो सकती है अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस ये रिसोर्सेज हैं इनके बीच में अगर कंपटीशन होगा तो कौन सी सिचुएशन सिवियर होगी तो यह करके सारी सिचुएशन देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन है क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन डिफरेंट ने इसको समझते हैं कि सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म ए है हमारा मतलब तो ये निशे ए है ये जगह है निशे ए और ये है जगह बी ये है आपकी जगह बी अब जो ए और बी है ये आपस में क्लोजली रिलेटेड तो है लेकिन इन दोनों का जो निचे है जो जगह है वो डिफरेंट है तो इनके बीच में अगर जगह ही डिफरेंट तो इतने चांसेस नहीं है कि इनके बीच में ऐसा कोई कॉम्पिटिशन होगा तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन द सेम एरिया और नेचर अभी इसको देखते हैं इसमें बोला जा रहा है कि वो सेम एरिया में है मतलब कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है यहीं पे ए भी है और यहीं पे बी भी है यहाँ पे तो अलग अलग थे अलग अलग जगह पे थे अब यहाँ पे ए भी इसी जगह पे और बी भी इसी जगह पे है और क्लोजली रिलेटेड भी है तो यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन होगा एंड ज्यादा सीवियर होगा अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन है डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से लेकिन सेम हैबिटेट में है डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा कि ये है हमारा ऑर्गेनिज्म ए और ये है हमारा ऑर्गेनिज्म बी इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है कोई बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड है कैसे रिलेटेड है डिस्टेंटली तो जब ये डिस्टेंटली रिलेटेड हैं भले ही एक ही जगह पे क्यों नहीं है ये दोनों है भले ही एक ही जगह पे दोनों प्रेजेंट एक ही जगह पे हैं बट है तो अलग अलग लोग तो इनकी ज़रूरतें भी अलग होंगी जरूरतें लोगों की तो उनके लिए कॉम्पटिशन होगा ही नहीं अभी इसको चाहिए कोई पर्टिकुलर एक्स चीज इसको वो एक्स चीज नहीं चाहिए इसको चाहिए वाई तो इसके लिए कंपटीशन थोड़े होगा कंपटीशन होगा तो इसके लिए होगा लेकिन जिसको ये चाहिए होगा वाई चाहिए होगा उसके साथ होगा तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा अब देखते हैं ऑप्शन डी डी है डिस्टेंटी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन डिफरेंट नेचर्स अब डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गैनिज़म्स हैं फिर से कि एक ये हैं और एक बी है, ये फिर से डिस्टेंटली रिलेटेड है इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में और अब यहाँ क्या हुआ कि ये अलग अलग जगह पे रह रहे हैं ए कहीं और रह रहा है बी कहीं और रह रहा है पहली बात तो डिस्टेंटली रिलेटेड थे तो कॉम्पटिशन वैसे भी नहीं होता और अब इतना दूर दूर रह रहे हैं तो कॉम्पटिशन तो और भी नहीं होगा सो so, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिलेटेड भी है और एक ही एरिया में प्रेजेंट है तो कॉम्पिटिशन ज्यादा सिवियर होगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी होप यू अंडरस्ट द्वेश्चन बेस्ट ऑफ ला